2024 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से जमींदोज हो गई। एक तरह से कहें तो उसने अपना मूल जनाधार और वोट बैंक खो दिया। चुनावी नतीजों ने यह साबित कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी सियासी हाशिए पर पहुंच गई है, जिसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि अब मायावती अपनी पार्टी को कैसे ऊपर उठाएंगी। आखिर उनसे चुनाव में कहां बड़ी चूक हुई, तो इसके लिए उन्होंने 23 जून को एक अहम बैठक बुलाई है। लखनऊ में होने वाली बसपा की इस बड़ी बैठक में मायावती सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ समीक्षा करेंगी, जिसके लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों को रहने के लिए आदेश दिए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद इस मीटिंग का हिस्सा होंगे या नहीं, क्योंकि जब से उन्हें मायावती ने अपने उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है तब से वो नजर नहीं आए, और अगर आए भी तो मीडिया के कैमरे से दूरी बना कर रखी। चर्चा है कि मायावती ने अपने भतीजे को इस मीटिंग से दूर रखा है, यानी कि आकाश आनंद को छोड़कर सभी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक में यूपी के पूर्व सीएम अपने नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करेंगी। हार के असल कारणों पर मंथन किया जाएगा, साथ ही मीटिंग के दौरान बसपा सुप्रीमो सेक्टर प्रभारियों की रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगी। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद संगठन में मायावती बड़ा बदलाव कर सकती है, और ये सब कुछ होगा बगैर आकाश आनंद के, जबकि आकाश आनंद के चुनावी भाषणों से ये कहा जाने लगा था कि शायद वो बसपा को फिर से खड़ा कर दे। लेकिन मायावती ने ना जाने क्यों उन पर ही कैंची चला दी। पहले चुनावी रैलियों पर रोक लगाई, फिर उत्तराधिकारी बनाने का फैसला वापस ले लिया। बता दें कि मायावती को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा है, उन्हें एक भी सीट नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने हार का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया था, क्योंकि एक अकेली उनकी ही पार्टी ने प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। लेकिन अगर आकाश आनंद बसपा की बैठक में शामिल नहीं होते तो अहम सवाल ये बनता है कि मायावती आगामी चुनाव में चंद्रशेखर और अखिलेश यादव का सामना कैसे करेंगी, क्योंकि एक वो ही हैं जिन्होंने बसपा को सियासत के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।